आलू बंडे तो खाना हम सभी को पसंद होता है, लेकिन अक्सर हम इन्हें अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम में बनते हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली भी होते हैं। लेकिन आज जो हम रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं उसकी खास बात यही है कि बहुत कम टाइम में और बहुत ही कम तेल के साथ बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बेसन लेंगे। मैंने यहाँ पर 6 चम्मच बेसन लिया है और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे इसमें और पानी मिलाकर इसका एक स्मूद और थिक बैटर बना लेंगे। ध्यान इसमें कि लम्स ना रह जाए। और हम 1/2 चम्मच हींग डालेंगे और 2 चुटकी के बराबर या 1 छोटी चम्मच खाने वाला सोडा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। बैटर हमारा गाढ़ा होना चाहिए, थिक होना चाहिए। ऐड करेंगे 2 चम्मच ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। 1/2 स्पून हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे और ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। हम स्टफिंग बना लेते हैं आलू की। स्टफिंग के लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे सौंफ, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, कुछ करी पत्ते डालेंगे और सरसों के दाने डालेंगे। यहाँ पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। और हमने आलूओं को उबाल लिया था, उनको कद्दूकस कर लिया था, उनको मिक्स कर देंगे और उनको अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप ज़्यादा तीखा ना खाना चाहें तो आप लाल मिर्च को अवॉइड भी कर सकते हैं। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसको, जब तक कि इसका कलर जो है वो हल्का ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर नहीं हो जाता। इसको अच्छे से फ्राई करते रहिए और इसको लगातार चलाते रहिए, कढ़ाई में ना चिपकने पाइए। इसको हमने अच्छे से भून लिया है, अच्छे से फ्राई हो गया ये हमारा। अब इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा ये बनके तैयार हो गया है। अब हमने कुछ मूंगफली के दानों को रोस्ट कर लिया था और उनको कूट भी लिया था, वो ऐड कर देंगे। हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इनकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम एक कप स्टैंड को गैस पर रखेंगे, उसमें 2 से 3 ड्रॉप ऑयल की डालेंगे। हर एक पार्ट पर हम 2 से 3 ड्रॉप ऑयल की डाल देंगे। अब मैंने जो बेसन का बैटर तैयार किया था उसमें हम बॉल को डालेंगे और बेसन को अच्छे से कोट कर लेंगे और स्टैंड के एक एक पार्ट में उनको रखते जाएंगे। ध्यान रखिए कि आपको जो गैस का फ्लेम है वो एकदम स्लो रखना है और एक एक पार्ट को अच्छे से हम बेसन में कोट करेंगे और हर एक पार्ट में इनको सेट कर देंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बहुत ही आराम से आपको ये स्टेप करना है। और मेरा ये लास्ट बॉल बचा है, इसको भी मैं डाल देती हूँ। अब ऊपर से हम 2 से 3 ड्रॉप ऑयल की फिर से डाल देंगे। देखिए आपने देखा कितना कम ऑयल यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। और इसको एक प्लेट से या किसी भी ढक्कन से आप इसको ढक दीजिए। सिर्फ 2 मिनट को आपको रखना है और हम इसकी साइड्स को यहाँ पर चेंज कर देंगे। देखिए एक तरफ से कितने बढ़िया सिक गए हैं। मैंने इनको दोनों तरफ से सेक लिया है, दोनों तरफ से सेक चुके हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इनके ऊपर एक हम छोटा छोटा सा कट लगा देंगे
और मैंने इमली की मीठी चटनी बनाई हुई थी, उनको हम यहाँ पर डाल देंगे। आप यहाँ पर चाहें तो टमाटो केचप भी डाल सकती हैं अगर आपको ये पसंद ना आए, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे और अच्छा टेस्ट बनाना चाह रही हूँ इनका। मैंने एक कटोरी दही लिया था, उसमें एक चम्मच शक्कर डालकर उसको फेंट लिया था, उसको डाल दूँगी। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है ये। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, उसी के साथ भुने हुए जीरे का पाउडर भी इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। बारीक कटा हुआ प्याज इनके ऊपर डालेंगे और हरी मिर्च डाल सकते हैं आप, और इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारे आलू बंडे।